जयपुर में सागनर गेट महिला चिकित्सालय स्थित हॉस्टल में रहने वाली फाजिलका निवासी रेजिडेंट डॉक्टर साक्षी गुप्ता ने बुधवार सुबह हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना से हॉस्टल में हड़कंप मच गया। सूचना पर लालकोटी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले आई। घटना के बाद परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी इंटेलिजेंट थी, किसी सीनियर के प्रताड़ित करने पर ही उसने फांसी लगाई है। साक्षी के पिता सुमेश गुप्ता ने लालकोटी थाने में रिपोर्ट दी है। आरोप है कि साक्षी उनको रोजाना फोन करती थी, सीनियर द्वारा उस पर दबाव बनाने व तंग करने की बात कहती थी। सीनियर प्रताड़ित कर रहे थे। सुमेश गुप्ता ने रिपोर्ट में डॉक्टर लीला, डॉक्टर अदिति, डॉक्टर वर्षा, डॉक्टर दीपाली तथा डॉक्टर कविता पर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि साक्षी उनके खिलाफ शिकायत करने लगी तो सीनियर्स ने रोक लिया। साक्षी के कमरे में सुसाइड नोट नहीं मिला। साक्षी ने 2017 में GGA मेडिकल कॉलेज फरीदकोट से MBBS किया था। उसने MS गायनी में प्रवेश लेकर 8 मई को ही ज्वाइन किया था और जयपुर के सागनर गेट महिला चिकित्सालय में डॉक्टर सीमा मेहता की यूनिट में भी कार्यरत थी। डॉक्टर साक्षी गुप्ता की मौत के बाद फाजिलका में शोक की लहर दौड़ गई। फाजिलका में उनके सिविल लाइन स्थित निवास पर लोग बड़ी संख्या में शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचने लगे। देख पैसे फाजिलका की निवासी डॉक्टर साक्षी गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उनका शव हॉस्टल में उनके कमरे में लटकता मिला। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। आगे फिर 8:30 तक नहीं पहुँचे ऑफिस तक, तो फिर 3 इन्हीं के साथ इतनी जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो रहने की फिजिक है वो गई, उन पर नॉक किया, फिर भी नहीं खोला, तो उन्होंने फिर उसका धक्का मारा गेट को तोड़ा। उसके बाद प्रशासन ने बताया तो वो हमको से लटकी भी थी।